किसान भाई जय जोहार। हमारे बहुत से किसान भाइयों का यह पूछना है कि जिनका मिट्टी खास तौर पर मटासी मिट्टी है, दो मिट्टी वाला जगह जहाँ पर थोड़ा कन्हार होता है, थोड़ा सा मटासी होता है, उस मिट्टी में जैसा कि इस मिट्टी को देख लीजिए, यहाँ पर चूका है, कौवा केनी है और भाजी बहुत सा उग आया है, तो ऐसा कौन से दवाई का छिड़काव करें जिससे हम उस पर कंट्रोल पा सके और उनका समूल नष्ट कर सके, ये हमारे किसान भाइयों का आज का प्रश्न है। तो इसके बारे में हम कृषि केंद्र के संचालक साहू जी से पूछेंगे, क्योंकि वो पढ़ा लिखा इंसान है, अच्छा पढ़ा लिखा है और वो खुद किसानी करते हैं और खेती किसानी में उनको बहुत रुचि है। तो चलिए हम साहू जी से मिलते हैं। साहू जी जय जोहार। जय जोहार। हमारे किसान भाइयों का पूछना है चूहका कौवा केनी और भाजी उनको बहुत परेशान करके रख दिए हैं, तो उसके खेत में ऐसे किस चीज़ का, किस दवाई का छिड़काव करें जिससे उनका चूहका हुआ, कौवा केनी हो गया, भाजी उनका समूल नष्ट हो जाए, इसके बारे में हमको बताइए। चूहका के लिए जो जनरली किसान भाई लोग छिड़काव करते हैं, हाँ, उसको आम भाषा में आलमिक्स ही बोलते हैं। हाँ हाँ। और ये जो है अलग अलग कंपनी अपने अपने नाम से इसको, हाँ, बेचते हैं। और इसका टेक्निकल एक ही रहता है क्या? इसका टेक्निकल जो रहता है वो एक ही रहता है। हाँ हाँ। इसको मेटासल्फुरान एथिल, हाँ, प्लस टोरीमुरान एथिल। अच्छा, ये इसका जो फार्मूला यही रहता है, केवल कंपनी का नाम और ब्रांड का नाम अलग रहता है। कंपनी जो है उसको अपने अपने नाम से इसको, अच्छा, जिस एरिया में जिस नाम से ये जो ब्रांड बना हुआ है वो अपना पहचान बना के वहाँ बेचते हैं ना, लेकिन जो टेक्निकल है वही रहेगा, टेक्निकल सेम वही रहेगा। तो हमको ये टेक्निकल के आधार पे खोजना है ना, क्योंकि हम हमारे पास तो तीन चार कंपनी का ही समय पाउच उपलब्ध है, लेकिन कई एरिया में नहीं मिल पाता, तो वहाँ ये टेक्निकल से खोजना है। हाँ हाँ। है ना, नहीं इसको किसी भी दुकान में जाएंगे तो, अच्छा, आलमिक्स जैसे मांगते हैं। हाँ हाँ। जैसे मेरे हाथ में है ये, हाँ, दो कंपनी का आलमिक्स। हाँ, दिखाइए थोड़ा सा। एक, हाँ, तो ये नाम से आलमिक्स है, एक मिनट, हाँ, टू पॉइंट आलमिक्स, हाँ ठीक। उसके बाद जो है ये जो है भारत कंपनी का, अच्छा, है दिग्गज नाम से, ये सभी तरफ मिल जाता है। हाँ हाँ, ये, अच्छा, सभी तरफ मिल जाएगा। हाँ हाँ। अब इन दोनों का जैसे हम, हाँ, टेक्निकल देखते हैं। हाँ हाँ। तो जो दोनों का टेक्निकल जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, हाँ हाँ, ये क्लोरीमुरोन, हाँ, उसके बाद इधर मेटासल्फुरान, अच्छा, तो ये हर कंपनी का जो टेक्निकल वो सेम रहता, एक ही रहता है ना, काम वही करेगा, काम वही करता है, अच्छा, कंपनी का नाम अलग है। अब हम चर्चा करते हैं इसको एकड़ में कितना छिड़काव करना है। इसको एकड़ में 8 ग्राम के हिसाब से ही आता है छिड़काव करना है। अच्छा, कुछ किसान लोग 6 स्प्रेयर बनाते हैं छोटे स्प्रेयर में, कोई 8 स्प्रेयर बनाते हैं, तो हमें पानी का मात्रा भी बढ़ा के रखना है कि 8 स्प्रेयर बनाना है, ऐसा है? जैसे छोटे किसान लोग अधिकतर जो है 20 लीटर वाले या फिर 15 लीटर वाले स्प्रे का उपयोग करते हैं। हाँ हाँ। तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा उपयुक्त है 8 स्प्रेयर बनाएं। हाँ हाँ। या फिर 6 भी बना सकते हैं। अच्छा अच्छा। 6 स्प्रेयर बनाएंगे तो दवाई का डोज जो है वो ज़्यादा लगेगा। अच्छा। मतलब खेत में जो उसका छिड़काव ज़्यादा होगा। हाँ हाँ हाँ। 10 स्प्रेयर बनाते हैं तो दवाई का जो डोज है कम हो जाता है, वो कम हो जाता है। अच्छा, तो 8 तक का ठीक है। हाँ, तो ये 6 स्प्रे बनाएं या फिर 8 स्प्रे बनाएं। अच्छा अच्छा, तो वो ज़्यादा बेहतर है। अच्छा अच्छा। और खेत में नमी का होना जरूरी है कि पानी का रहना जरूरी है? अब खेत में जो है इसका छिड़काव का सही समय है, जैसे खेत सूखा है पूरा, हाँ हाँ, उस समय इसका छिड़काव नहीं करना है। अच्छा अच्छा, पानी रहना तो चाहिए। उसमें नुकसान ये है कि जो धान जो है वो उसमें पीलापन दिखाई देता है। अच्छा अच्छा। और इसका छिड़काव के लिए सही, हाँ, समय है कि खेत में जो है वो नमी रहना चाहिए मिट्टी में। हाँ हाँ। पानी जो है वो सतह से जैसे लगा हुआ है, हाँ हाँ, जैसे अभी धान की बुआई हुआ है, अच्छा, इसमें जड़ तक जैसे फैला हुआ है इस खेत में हम देख रहे हैं, तो ये जो है ज्यादा अच्छा है। अच्छा अच्छा। सूखा नहीं रहना चाहिए जमीन। हाँ हाँ। और कुछ किसान हमारे कहते हैं कि उनके खेत में बहुत ज्यादा चूहा और कौवा केनी उगा था, उसके लिए और कुछ है क्या हेवी डोज वाला? और उसके लिए फिर ज्यादा चूहा और कौवा केनी है, हाँ हाँ, तो उसके लिए ये, हाँ हाँ, इसका अलग टेक्निकल आता है। अच्छा अच्छा। इसमें जो है, हाँ, कार्पेंट्रा जोन इथाइल 40%। अच्छा, जब ये ज्यादा हो खेत में, हाँ, तब इसका छिड़काव करना है। कौवा केनी और चूहा जो है वो अभी, हाँ, मेरे पास दो ही कंपनी का है। अच्छा, और अच्छा, भी बहुत सारे कंपनी के। तो उसका टेक्निक यही रहेगा क्या? इसका टेक्निकल यही रहता है। अच्छा। ये नाबूद नाम से आता है। हाँ, हाँ। और उसके बाद FMC कंपनी का है, एफिनिटी। अच्छा अच्छा। ये बहुत सारे कंपनी में आते हैं। हाँ, हाँ। तो ये बहुत ज्यादा जैसे शिकायत है, चूका और भाजी, ग्रामीण अंचल में जैसे मछरिया भाजी बोलते हैं,
और ये पाला भाजी नमूना जो आता है आजकल, उसके भी रोकथाम होता है इसमें? उसका भी रोकथाम इसमें होता है। अच्छा अच्छा, लेकिन इसका उपयोग करने के लिए एक चीज ध्यान देना पड़ता है। हाँ हाँ, ये जो है धान जैसे 25 दिन का हो गया है, हाँ हाँ, उसके बाद ही इसका छिड़काव करवाना है। अच्छा, उसके पहले छिड़काव करेंगे तो धान पीला हो जाएगा? उसके पहले छिड़काव कराएंगे तो धान में पीलापन आ जाएगा। अच्छा अच्छा, उसका जो धान में जो बाढ़ आना चाहिए उनका ग्रोथ रुक जाता है क्या? ग्रोथ रुक जाएगा। अच्छा अच्छा, कंसा भी नहीं आएगा? कंसा भी नहीं आएगा। अच्छा, तो इसमें सावधानी बरतना है। यदि कोई किसान भाई गलती से इसका छिड़काव पहले भी कर लेते हैं तो उनका भी उपाय है। हाँ, जैसे बहुत सारे टॉनिक आते हैं, हाँ, उसका छिड़काव, जिंक है, जिंक सल्फेट, हाँ, तो उसका छिड़काव करके इसको कंट्रोल कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। अच्छा, और कुछ किसान ये भी देखने मिलता है कि लोग धान 10-12 दिन का होता है और चूका हो गया कहकर उसमें रेत में मिलाकर छिड़काव कर देते हैं, हाँ, तो क्या जायज है? रेत में छिड़काव के लिए जैसे 10 दिन का हुआ है धान, हाँ, उस समय रेत में इसका छिड़काव कर सकते हैं। अच्छा, उसमें नुकसान नहीं होगा? नुकसान नहीं, स्प्रे चलाने से इसमें नुकसान है। अच्छा अच्छा, वो धान के पत्ते में अगर पड़ता है बूंद तो नुकसान होगा? धान जैसे 10 दिन का हुआ है, हाँ हाँ, उसके आसपास का है तो उसमें नुकसान होगा। अच्छा अच्छा, और इसके बारे में कुछ है, कैसा होना चाहिए वातावरण जब छिड़काव करें? पानी वाला रहना चाहिए कि धूप खिला रहना चाहिए? नहीं, पानी मौसम जैसे बारिश हो गया चाहे, हाँ हाँ, उसमें भी जो है दवाई का डोज जो है वो कम हो जाता है। अच्छा, कई किसान लोग क्या करते हैं, बारिश अभी हुई है और तुरंत ला कर छिड़काव कर देते हैं, तो क्या अच्छा रहता है? तुरंत ला के जैसे छिड़काव कर रहे हैं उसके बाद बारिश हो गया, हाँ, तो उसमें चिपको मिलाए हैं। अच्छा, चिपको मिलाना पड़ेगा? चिपको मिलाए हैं तो फिर उसका ज्यादा अच्छा रिजल्ट आएगा। अच्छा, चिपको नहीं मिलाए हैं तो नुकसान? नहीं मिलाए हैं और बारिश नहीं हो रहा है तो भी उसमें अच्छा रिजल्ट आएगा। अच्छा अच्छा, बारिश से बचना है तो फिर चिपको के लिए, अच्छा, ये ज्यादा सही है। अच्छा अच्छा, चिपको के साथ। अच्छा, चिपको के साथ करें, और मौसम खुला है तो फिर चिपको मिलाने की जरूरत नहीं है? मौसम खुला है तो वो किसान का चॉइस है। अच्छा अच्छा, मिला सकते हैं और नहीं भी मिला सकते हैं, उनकी मर्जी के ऊपर है। तो ये इस दवाइयों का छिड़काव करके हम चूहा को कंट्रोल कर सकते हैं? ये सब दवाई का छिड़काव से हम चूहा को, हाँ हाँ, भाजी है उसको अच्छे से कंट्रोल कर, भाजी है, कौवा के नहीं है, और ये चूहा है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में ये तीन ही चीज की शिकायत ज्यादा रहती है, है ना? और इसके अलावा कोई किसान भाइयों को कुछ संदेश देना हो तो आप बता दीजिए। किसान भाइयों को यही संदेश है, सही समय में दवाई का छिड़काव करें, हाँ हाँ, जिससे कई बीमारी जो है बहुत सारा फैल जाता है खेत, हाँ, में धान में, हाँ, तो बहुत सारे किसान भाई जो है वो बाद में उसका छिड़काव करते हैं, हाँ हाँ, तो उससे नुकसान भी होता है फसल का, हाँ, उसके बाद छिड़काव करने से बीमारी का रोकथाम भी थोड़ा समय लगता है, तो ज्यादा सही है कि इसका, हाँ, सही समय में। अच्छा, खेत का सतत निरीक्षण करते रहना जरूरी है ना? हाँ, खेत का निरीक्षण, उसका देख रेख, हाँ हाँ, ये ज्यादा जरूरी है। अच्छा अच्छा, साहू जी आपने हमारे लिए समय निकाला, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो किसान भाई लोग, आप लोग खुद समझ गए हैं, देखिए कितनी अच्छी बात बताए हैं। आप लोग भी इस साहू जी की बातों को फॉलो कर सकते हैं, अपनी फायदा उठा सकते हैं। हम फिर अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय जोहार।